सबसे पहले जो क्वेश्चन हमको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1.2x - 1, देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन की डोमेन को निकालना है। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन वो सभी पॉइंट होते हैं जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है। तो डोमेन निकालने के लिए हम देखते हैं हमारे पास इस फंक्शन इस क्वेश्चन के अंदर डिनोमीटर में एक फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन दिया गया है, और जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है उसके अंदर की भी जो वैल्यू होती है, जैसे हमें दी गई है 2x - 1, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो पे डिफाइन होती है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो पे। और ये जो डिनोमिनेटर है 2x - 1, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमको केवल बस ये सॉल्व कर लेना है, 2x > 1, x > 1/2। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2x 1 के इक्वल नहीं हो सकता, x इज नेवर इक्वल टू 1/2। अब अगर x 1/2 ये जो जीरो दे जाएगा तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा और फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओपन ब्रैकेट 1/2 टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर हम 1/2 को साथ लेते तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट होता। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी हमको डोमेन फाइंड करनी है। उसमें हमको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू √1 - x। तो मैंने आपको बताया था जो अनरूट के अंदर अनरूट होता है हमारे पास वो मॉड्यूलस फंक्शन होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो होती है। तो 1 - x ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, देन -x > -1। अब हम माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा x < 1। अब x < 1 अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लिखूँ तो 1 - इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी। तो < 1 पे हमारे पास क्या आ रहा है, x > -∞ - 1, ये बन के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लिया है। गाइस हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू log(5x - x²)/6। तो यहाँ पर हमको एक अंडररूट फंक्शन दिया गया है, अंडररूट मीन्स मॉड्यूलस फंक्शन, जिसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। यहाँ पर हमको बेस log का कोई भी बेस नहीं दिया है, तो हमको पता है log का बेस हमको मान लेना है अपनी तरफ से 10 जब नहीं दिया होता है, या हम बचपन में स्टडी कर चुके हैं। तो 5x - x² / 6 > 0। जब हम यहाँ से log हटाते थे तो आपको पता होगा 5x - x² / 6 > 10^0 हो जाता था। डेट मीन्स मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो बनेगी 5x - x² / 6 > 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5x - x² / 6 - 1 > 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 5x - x² - 6 / 6 > 0। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5x - x² - 6 > 0 × 6। इसको मैं लिख सकता हूँ -x² + 5x - 6 > 0। अब मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए x² को माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये बनेगा मेरे पास x² - 5x + 6 > 0। मैंने बोला आपको जब हम दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइंस होता है हमारे पास वो चेंज हो जाता है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू बन के आएगी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या बनेगा x² - 3x - 2x + 6 > 0। x - 3 x - 2 इसको सॉल्व करने के पास हमारे पास वैल्यू आएगी। इसको अब हम एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए -∞ होता है और ये हमारे पास +∞ होता है। 2 और 3 हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई हैं वो है 2 और 3। तो मैं 2 और 3 को यहाँ पर पुट कर देता हूँ। इसके बाद ये जो मेरे को दिया है प्लस, मैं इधर से प्लस से स्टार्ट करूँगा, ये माइनस और ये प्लस, मुझे लेस देन जीरो चाहिए। तो दैट मीन्स जो माइनस वाला पर्सन है
मैं इसमें ले लूँगा, तो एक्स बिलोंग टू टू से थ्री। अब ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाने बोला हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमको डोमेन फाइंड करने को बोला है, वो फाइंड द डोमेन, और हमको एक लॉगरिदमिक फंक्शन दिया गया है यहाँ पर। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है log 10 1 प्लस एक्स क्यू। तो मैंने आपको बताया था जो हम डोमेन निकालते हैं वो उन पॉइंट्स पर निकालते हैं जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होती है। तो फंक्शन के अंदर भी हमको जो अलग से फंक्शन दिए होते हैं, सब फंक्शंस दिए होते हैं, हम उनको भी डिफाइंड करते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हमको लॉगारिथमिक फंक्शन दिया है, और लॉगारिथमिक जो फंक्शन होता है वो डिफाइंड कब होता है, जब उस ये बेस 10 है और ये जो नंबर है ये हमेशा 0 से बड़ा होता है, तब लॉगारिथमिक फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो 1 प्लस एक्स क्यू हमेशा 0 से ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यू प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब मुझे पता है एक्स क्यू प्लस 1 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आता है एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब आपको पता होगा ये जो फंक्शन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ से लाके, दैट मीन्स मैं इसको ले सकता हूँ एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। जो पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव फंक्शन होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज फंक्शन जो हमेशा ग्रेटर देन 0 होते हैं, उनको हम इसी तरह हटा देते हैं। तो ये मेरे पास आएगा एक्स ग्रेटर देन माइनस 1। इसको अगर मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करूँ, माइनस 1 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ग्रेटर देन माइनस 1, तो एक्स बिलोंग टू माइनस 1 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हम कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। माइनस 1 ये यहाँ पर हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ इक्वल ग्रेटर इक्वल नहीं है, ये हमारा आंसर। इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स माइनस 1, देन फाइंड वेदर इट इज एन इवन और ऑड फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए इवन और ऑड फंक्शन होता क्या है। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है, अब अगर मैं एफ एक्स के अंदर एक्स को माइनस एक्स से ट्रांसफर करता हूँ और मुझे उस फंक्शन की वैल्यू अगेन एफ एक्स मिल जाती है, तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। अब अगर मैं एफ एक्स को माइनस एक्स से ट्रांसफर करता हूँ और मुझे वैल्यू मिलती है माइनस एफ एक्स, तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। तो इसमें मैं देख लेता हूँ जल्दी से, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स से मैं चेंज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस एक्स ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन ए की पावर एक्स माइनस 1। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ इधर, 1 प्लस ए की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स इधर है और ए की पावर एक्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं आगे, माइनस एक्स इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एक्स प्लस 1, और अगर मैं नीचे माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा ए की पावर एक्स माइनस 1, और माइनस से माइनस मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो मेरे पास ये जो वैल्यू आती है वो है एक्स ए की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए की पावर एक्स माइनस 1, जो कि मेरे पास फंक्शन इटसेल्फ है। जो वैल्यू आई है मेरे पास आप देख सकते हैं ये फंक्शन इटसेल्फ है, दैट मीन्स एफ एक्स। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास एफ माइनस एक्स करने पर आया है एफ एक्स। तो ये जो फंक्शन होगा हमारे पास वो होगा
इवन फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स माइनस टू, देन फाइंड एफ जीरो एफ वन एंड एफ टू। तो आप आसानी से देख सकते हैं x की जगह 0 पुट करने पर मेरे पास आएगा 0 प्लस वन अपॉन जीरो माइनस टू, डैट मीन्स माइनस के वन अपॉन टू। एफ की जगह वन लगने पर मेरे पास आएगा वन का स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन माइनस टू, डैट मीन्स टू अपॉन माइनस वन, डैट मीन्स माइनस टू। और एफ की जगह टू पुट करने पर मैं देख सकता हूँ टू का स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू माइनस टू, डैट मीन्स थ्री अपॉन फाइव अपॉन ज़ीरो, जो कि इनफाइनाइट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डज नॉट नॉट एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, हमको कोई फंक्शन दिया है तो हमको उसका इन्वर्स निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, और मैं एक्स के टर्म में इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से वाई प्लस थ्री अपॉन टू, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें क्या है एफ इनवर्स वाई दी हुई है। तो मैं एफ इनवर्स वाई पुट कर देता हूँ इसमें, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू आएगा मेरे पास वाई प्लस थ्री इंटू टू। तो ये जो फंक्शन है हमारा, और ये बाई के वेरिएबल बाई में पूरा चेंज हो चुका है, बाई के टर्म में आ चुका है। तो मैं बाई के बाई को एक्स से अगर ट्रांसफ़र करता हूँ तो मुझे एक्स में फंक्शन मिल जाएगा एक्स प्लस थ्री अपॉन टू, और जो कि इसका इन्वर्स है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हमको दिया है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ फंक्शन ऑफ एक्स ए प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई, देन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस ए वाई को मैं u मान लेता हूँ और x माइनस ए वाई को मैं v मान लेता हूँ। तो यहाँ से मैं अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ऑन एडिंग अच्छे से मुझे पता है u प्लस v इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने के बाद इक्वेशंस को x प्लस ए वाई यू की वैल्यू प्लस x माइनस ए वाई, डेट मीन्स ए वाई से ए वाई कैंसिल, u प्लस वी इज इक्वल टू टू एक्स, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी u प्लस वी अपॉन टू। ऐसे ही अब मैं y की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, u माइनस वी कर दूँगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, u x प्लस ए वाई माइनस वी की वैल्यू। v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x माइनस ए वाई, u माइनस वी इज इक्वल टू x प्लस ए वाई माइनस x प्लस ए वाई, x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो u माइनस वी बराबर हमारे पास आ जाएगा टू
ए वाई, और वाई इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1.2 यू माइनस वी अपॉन ए। अब यहां से मैं क्या करता हूं, मुझे एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू चाहिए, तो मैं निकाल लेता हूँ यहां से एफ यू कोमा वी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यू प्लस वी अपॉन टू, और वाई की वैल्यू कितनी है, यू माइनस वी अपॉन टू। तो एफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू ए यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर अपॉन फोर। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ यू को एक्स से और वी को वाई से ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, तो मेरे को एक्स को वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ये ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फोर।